हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रैबिट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे घर में ऑलरेडी एक पेयर रैबिट्स थे, तो आज ही उन्होंने 3 क्यूट क्यूट बेबीज़ को जन्म दिया है। एंड आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिख रहे हैं ये रैबिट्स। हमारा ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम में फ़र्स्ट टाइम में कितने छोटे से रैबिट को हम देख रहे हैं। आप देख सकते हो जिनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं फर्स्ट डे उनके कान तक नहीं दिखते हैं, उनकी आंखें भी बंद हैं और ये पूरे एकदम मुर्गी के बच्चे के जैसे दिख रहे हैं। और ये रैबिट पेयर अपने साइड में है और आप देख सकते हो उन्होंने 3 बेबीज़ को जन्म दिया है। और ये पूरे इट्स लुकिंग लाइक अ चिकन और या मुर्गी के बच्चे जैसे दिख रहे हैं। एंड बिकॉज़ ये बच्चे बहुत छोटे, हमें खुद से ही इनको फीड कराना पड़ रहा है। एंड ऑल्सो ममा रैबिट के लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, सो शी इज़ बिट नर्वस। आप देख सकते हो उसकी आईज़ देखो, ममा रैबिट की, शी इज़ बिट नर्वस। और हमें इनको पकड़ पकड़ के फीड कराना पड़ रहा है, बिकॉज़ अगर इन्हें फीड नहीं कराएंगे तो ये वीक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ, ओ माई गॉड, आप देख सकते हो कि कैसे ये ममा रैबिट पैनिक हो रही है। बट स्टिल हमें दोनों को अच्छे से केयर करते हुए, ममा को भी और बच्चों को भी केयर करते हुए इनको रखना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे जब हम इन छोटे छोटे रैबिट्स को, बनीज़ को हम फीड करा रहे हैं। एंड इनको आप देख सकते हो पकड़ पकड़ के फीड कराना पड़ रहा है, अदरवाइज़ वो लोगों को खाना नहीं मिलेगा और वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो यस, ये था फर्स्ट डे जो हमारा एक्सपीरियंस था, और हम भी चाहते थे कि आप लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि रैबिट इज़ अ वेरी रेयर पेट, तो इसलिए। एंड ये काफ़ी क्यूट दिख रहे हैं फ़िलहाल तो। नाउ दिस इज़ द थर्ड डे, सेकेंड डे में हमने शूट नहीं किया था। आप देख सकते हो हल्का हल्का इनका जो रोम रहता है, जो फर रहता है, वो निकल रहा है। और थर्ड डे में ये इनका स्किन पूरा सिल्क जैसा दिख रहा था। इनके कान आप देख सकते हो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। और गाइस, ये लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ पे चिपक चिपक के सोने में ही इनको कंफर्टेबल लगता है। ये जो एक जो सबसे ऊपर में है, ही इज़ बिट नॉटी, तो ये थोड़ा नटखट है। नाउ दिस इज़ द फोर्थ डे, और आप देख सकते हो बाय द टाइम तो पूरा लग रहा है कि ये कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं। आप देख सकते हो अभी भी ममा रैबिट थोड़ा पैनिक हो रही है, और इनको हमें बहुत ही केयरफुली फीड कराना पड़ता है। और बच्चे थोड़े एक्टिव हो गए हैं पहले से, और थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। एंड अभी ये पूरे लग रहे कि हाँ, रैबिट के बच्चे हैं। थोड़े थोड़े फर निकल आए हैं और तीनों के तीनों गोरे चिट्टे हुए हैं, पूरे वाइट वाइट दिख रहे हैं। इनका कान आप देख सकते हो पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा है, एंड अभी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे हैं। सो इस तरीके से हमें इनको फीड कराना पड़ता। तो ये डे फोर का सिनेरियो है। अब देख सकते हो कि इतने जल्दी इनकी बॉडी में फर भी आ गया है 4 दिन के अंदर में। सो यस, काफ़ी प्यार से केयरफुली इनको उठाना पड़ता है। लेकिन गाइस, डे फोर में भी इनकी आंखें खुली नहीं हैं। आप देख सकते हो इनकी आंखें अभी भी बंद हैं, और फिर भी ये चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। हमने इनको एक बास्केट में इस तरीके से रखा है, और हमने गूगल किया था कि इन्हें गर्म रखना चाहिए, सो इसलिए हमने एक छोटा सा टॉवल दिया है, जिनसे इनको हम लोग रैप करके रखते हैं। और इस बास्केट में ये लोग सेफ हैं, एंड अपना जो भी चलने की प्रैक्टिस या जो भी ये करते हैं, सो इस तरीके से ये यहाँ पे हमने इनको रखा हुआ है। और ये है ममा रैबिट, जो थोड़ी नर्वस हो जाती है एट टाइम्स उनको फीड कराने में। आप देख सकते हो कि शी इज़ शिवरिंग, बट बच्चों को भी खिलाना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अभी भी हम लोग, क्योंकि इनकी आंखें खुली नहीं है, तो ये खुद से नहीं अपने आप को फीड कर पाएंगे, तो हमें ही इनको फीड कराना पड़ता है। तो आप देख सकते हो, और ये बच्चे अभी पहले से थोड़े एक्टिव हो गए हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड थैंक्स टू हमारी नेबर जूनू आंटी एंड उनके बच्चे कृष्णा, जो काफ़ी हेल्प करते हैं इनको संभालने में। अदरवाइज़ ये ममा रैबिट थोड़ा पैनिक हो जाती हैं, तो हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं था, बट उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है। ना बच्चे आराम से खा पी के सो रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये डे फाइव है, बच्चे थोड़े से और बड़े लग रहे हैं, स्पेशली इनके कान देखकर ही हम पता कर पाते कि हाँ, ये लोग थोड़े बड़े हुए हैं या नहीं। तो फ़िलहाल ये लोग सो रहे हैं, और कितने क्यूट दिख रहे हैं आप देख सकते हो।
बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं ये लोग। और अभी बारी इनको फीडिंग कराने की अगेन, इस तरीके से फीड करा रहे हैं हम इन लोगों को। एंड पहले से थोड़े बड़े लग रही है, डे 6 नाउ। मम्मा रैबिट अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही हैं और देख रही हैं कि मम्मा रैबिट अपने बच्चों को चेक कर रही कि वो लोग ठीक है या नहीं। एंड उनके बच्चे सोए हुए हैं अभी फ़िलहाल तो, एंड मम्मा रैबिट आसपास ही टहल रही हैं। सो ये बात है डे 6 की। नाउ टुडे इज़ डे 7। इनके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से फर आ गए हैं और ये खेल रहे हैं अपने मम्मा के ऊपर चढ़ के। एंड बट स्टिल अभी तक इनकी आंखें खुली नहीं है। आई थिंक हल्की हल्की खुली है, नॉट कम्प्लीटली, बट स्टिल इनकी बॉडी में फर कम्प्लीटली ऑलमोस्ट आ गए हैं। और कान भी पहले से थोड़े बड़े लग रहे हैं, ईयर्स इनके पहले से थोड़े बड़े हो गए हैं। बट स्टिल क्योंकि इनकी आंखें खुली नहीं है तो ये लोग गिर जाते हैं। आप देख सकते हो आंखें हल्की हल्की खुली हैं बट इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो यस, अभी भी हमको इनकी केयर करनी पड़ रही है। बट आंखें बंद होने के बावजूद ये लोग अपना खेलना कूदना इनका जारी रहता है। आप देख सकते हो ये तीनों आपस में कितने अच्छे से खेल रहे हैं। सो यस, दिस इज़ 10th डे एंड हल्की हल्की आंखें खुली हैं इनकी। एंड मम्मा रैबिट अपने खाने में बिज़ी हैं एंड बच्चे अपने खेलने में बिज़ी हैं। सो इस तरीके से, एंड ये जो है लेफ़्ट वाला, ये थोड़ा सो रहा है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोते, सिर्फ खाते पीते हैं दूध, फीड करते हैं एंड देन ये सो जाते हैं। सो ये लेफ़्ट वाला है जो सो रहा है, ये बीच वाला जो है जो अपनी कान को हिला रहा है, दैट इज़ बिट एक्टिव। तो ये देखो आप, ये दोनों को ये डिस्टर्ब करने वाला है। एंड बाकी दो रैबिट्स, बेबी रैबिट्स, बाकी दो सो रहे हैं एंड दे आर लुकिंग सुपर सुपर क्यूट। चलने की कोशिश हो रही है इन लोगों की, इंडिपेंडेंट बनने की तैयारी चल रही है। और हमने एक बेडशीट जैसा कुछ बिछा दिया है और ये लोग यहाँ पे अपना थोड़ा फ्रेश एयर ले रहे हैं क्योंकि हम इन्हें पूरा कम्प्लीटली कार्टर में नहीं रखना चाहते थे। यस, जैसे ये बेबीज़ जा रहे, दिस इज़ द राइट वे टू फीड। जब इनकी आंखें खुल जाएंगी तो इस तरीके से वो अपने आप को फीड करेंगे। बट मामा रैबिट अपने दूसरे ही मूड में है। ये देखिए, ये वाली जो बेबी रैबिट है, इसने अपना खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली ये लोग हे खाते हैं, घास खाते हैं, तो ये अपना खाना खाना चालू कर दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इट इज़ ग्रोइंग प्रेटी गुड। और बाकी दोनों की थोड़ी थोड़ी आंखें खुली नहीं है। आई थिंक जो घास खा रही है उसकी आंखें खुल गई है थोड़ी सी। सो वो पूरे एक्टिवली पूरा घूम रही है एंड बाकी दोनों थोड़े थोड़े धीमे धीमे से हैं, इतना एक्टिव नहीं है। और ये हमारी कोशिश इसे घास खिलाने की, बट ये नटखट, ये नहीं खा रहा था। बट इनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। ये एक हाथ में उठ जाते हैं पाम में। सो आप देख सकते हो 10 दिन के अंदर ही एक छोटा सा बिना फर वाला रैबिट, 10 दिन के अंदर ही वो पूरा रेप्लिका हो गया अपनी मदर का। इट्स कम्प्लीटली रिप्रेजेंटिंग कि हाँ, इट इज़ अ रैबिट। और कान भी आप देख सकते हो बड़े हो गए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, हमने 3rd डे में ही देखा था कि इनकी दांत जैसे ये होते हैं वैसे ही, मतलब बाय बॉर्न ही इनके दांत रहते हैं। तो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखिए, ये अपने जुगाड़ में लगा हुआ है घास खाने की, बट वो खुद से खाएगा। हम लोग खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, वो अपने से घास ढूंढेगा और वो खाएगा। सो यस, वी आर एंजॉइंग ऑल दिस लिटिल लिटिल थिंग्स। और आप देख सकते हो ये वाली खरगोश तो अब दौड़ने की कगार पे है। अब ये चलने की नहीं, दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमारी रैबिट फैमिली तो इन्जॉय कर रही है एक दूसरे की कंपनी। आशा करते हैं कि आप भी हमारे इस वीडियो को इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर वीडियो इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो साइड में हम इंस्टाग्राम हैंडल आईडी दे देंगे, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो।
तो जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक हमारे तीन जो नटखट से रैबिट हैं वो अब आराम फरमा रहे हैं क्योंकि उनके सोने का टाइम हो गया है। ये बस सोते हैं और अपने आप को फीड करते हैं, दैट्स इट। आप देख सकते हो तीनों कितने क्यूट दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं। और अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोज़ चाहिए सो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस स्मॉल लिटिल रैबिट्स, स्मॉल लिटिल बनीस। तो चलिए अब इनका टाइम हो गया है सोने के लिए, तो इन्हें सोने देते हैं और आप भी इन्जॉय कीजिए इनको सोते हुए देखना। तो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर।